सुनील जरियाल, जिला अध्यक्ष न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ जिला चंबा। आप सभी साथियों के साथ पुनः हाजिर हुआ हूँ। आप सभी साथियों को बताना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने एनपीएस कर्मचारी जो 28 कर्मचारी साथी थे हमारे, मुझे मिलाकर जिनके ऊपर पूर्व सरकार में ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के दौरान 3 मार्च 2022 को जो शिमला में हमारी महारैली हुई थी, उसमें जो आंदोलन के दौरान हमारे ऊपर FIR दर्ज की गई थी और कोर्ट केस डाला गया था, उस केस को हिमाचल प्रदेश सरकार ने वापस ले लिया है। साथ ही साथ जो उसके कोर्ट में संबंधित दस्तावेज थे वो हमारे फेवर में आए, सरकार ने वो केस वापस लिया। और अब जो प्रोसीडिंग रहती थी थानों की, जो प्रोसीडिंग रहती थी जिसमें एंट्री की गई थी कि इन इन कर्मचारी साथियों के ऊपर FIR दर्ज है और IPC की जिन जिन धाराओं के तहत उनको धाराएं लगाई गई थी, जिनमें से PDP एक्ट भी एक महत्वपूर्ण एक्ट था जिसके तहत 28 कर्मचारियों पर केस बनाए गए थे, वो सभी धाराएं जो समाप्त की गई हैं। और सर, हम पूरे चंबा जिला के कर्मचारियों की ओर से मैं माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू जी, चंबा जिला के सभी कांग्रेस कमेटी के लीडर्स और साथ ही साथ पूरे मंत्रिमंडल का धन्यवादी हूं कि उन्होंने कर्मचारियों की पुरानी पेंशन की बहाली तो की ही की, साथ में जो केस झूठा केस हमारे ऊपर बनाया गया था उसे भी वापस लिया। और अब जो है वो थानों में हमारे रिकॉर्ड जो हैं वो दुरुस्त किए गए हैं, जिसका मेल के माध्यम से बालूगंज थाना से मेल भेजी गई थी और चंबा में भी वो मेल प्राप्त हुई है, जिसमें हमारे ऊपर जो धाराएँ दर्ज की गई थी वो हटाई गई हैं। मैं पुनः पूरे प्रदेश के कर्मचारियों की ओर से ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू जी का पुरानी पेंशन बहाली के लिए भी धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ जो हमारे ऊपर ये केस बनाए गए थे और उनको केस को वापस लिया है उसके लिए भी उनका धन्यवाद करता हूं। और एक बात यहां पे पुनः कहना चाहूंगा कि जो पूर्व सरकार ने जब लाठियां बांधी थी हमारे ऊपर झूठे केस बनाए गए थे, उस समय प्रदेश का हर एक कर्मचारी हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा था, तो उन सभी कर्मचारियों की ओर से भी मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ उन सभी कर्मचारियों का धन्यवाद करता हूं। एक बार पुनः आग्रह रहेगा सभी कर्मचारी साथियों से कि एकजुट रहें, संगठित रहें, क्योंकि संगठन में ही शक्ति है और इसी शक्ति के आधार पर हम लोगों ने ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली करवाई है। इसलिए हमारा जुड़े रहना ही हमारे संगठन की एकता है। आप सभी साथियों को पुनः प्रदेश सरकार के इस निर्णय की ओर से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय NPSC, जय कर्मचारी।